हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की पूरी फ्राई करने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था और वो बोले मैं फ्राई कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी में बनाना था, तो फटाफट उन्होंने फ्राई कर दिया और मैंने बेल दिया, और साथ में बनाने का मज़ा ही अलग था। थैंक यू हस्बैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस अभी हम निकल रहे हैं पिकनिक के लिए, और ये रहा मेरा पिकनिक बैग। इसमें मैंने सब कुछ ले लिया है, खाना पीना बैठने के लिए सब कुछ। और चार से नहीं, फाइव फैमिलीज आ रही है, फाइव इंडियन फैमिलीज हम मिलके सेलिब्रेट करने वाले हैं। मे भी शायद थोड़ा होली सेलिब्रेट करेंगे और साथ में पिकनिक होगा। और मेरे नियर बाय जो पार्क है वहीं पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे आज एक बच्चों के लिए गेम ऑर्गेनाइज़ किया है, एग हंट करके। सो स्पेशली बच्चों के लिए है वो। सो बच्चे वो खेलेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक करेंगे, होली करेंगे, जो भी आप समझ लो। बस उसी के लिए निकल रही हूँ। मैंने पूरी प्रिपेयर किया है, बाकी लोग क्या प्रिपेयर करके आ रहे वो मैं आपको वहाँ पे चल के दिखाती हूँ। चलिए अभी फटाफट निकलती हूँ। प्रियांश अंदर ऑलरेडी जा चुका है। यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों का, और ये एंट्री है। और हमने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था। हमको पता नहीं था कि वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन वो नहीं करेंगे। अब लास्ट ईयर तो ऐसे ही था कि आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट इस साल ऐसा नहीं था। सो रियांश का इसके पापा ने पहले ही कर दिया था, ऐसे ही बैठे थे तो बोले लाओ मैं कर देता हूँ। उनको पता नहीं था कि वहाँ जाके नहीं होगा, और अच्छा हुआ हमने कर दिया था। अदरवाइज तो रियांश रोक के तो बहुत ही हमको परेशान कर देता, क्योंकि बाकी पेरेंट्स ने नहीं किया था तो फिर कुछ उसमें से एक दो बच्चे लोग रो रहे थे, क्योंकि उनको प्ले और भी गेम है इधर। फिर इधर फोटो सेशन भी है। लास्ट टाइम यहाँ फोटो सेशन हुआ था, इस बार भी फोटो सेशन है। यहाँ कुछ गेम्स हैं। अभी पहले रियांश को एक घंटा कराएंगे, उसके बाद इस तरफ ही है। हाँ चलो, 45 इस तरफ। ये रहा एक घंटा का। उतर मानो, अब उतर जाओ। वेरी नाइस रियांश। आए नहीं हो लो? आ रहे ऑन द वे है। एक बजे के पहले पहले ही कर रहे हैं। किस लिए जगह? बाद में ना, अभी पहले ये कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे भी है, और रियांश का में भी ये वाला है शायद। ये रहा, ये 4 to 5 सीयर्स। क्या हुआ रियांश? जल्दी जल्दी जल्दी, वो देखो सब बच्चों ने किया है, आपने भी करना है। आप अपना स्कूटर अपने पास रखो ना रियांश, ये सब कैसे करूँगी दोनों चीज़। हाँ चलो चलो, इधर से देखते हैं कहाँ पे गए। आगे आगे आप चलो चलो, इधर आओ, इस तरफ आओ, इधर आओ। देखो कहीं एग दिख रहा है आपको? ढूंढो आप, खुद से करना है आपने। हाँ यू कैन डू इट रियांश। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस बार मैं उसको नहीं हेल्प करूँगी, वो खुद से ही सर्च करेगा। अभी वो खुद ही ढूंढ रहा है, क्योंकि अभी वो बड़ा है, छोटा बच्चा नहीं है कि उसको मैं हेल्प करूँ। लास्ट ईयर हमने हेल्प की थी, बस इस बार नहीं। रियांश आपने खुद ही ढूंढना है। देखते रहो नीचे कहाँ आपको एग दिख रहा है। आओ इस तरफ आ जाओ, इधर आओ, इस तरफ आओ, इधर आओ, आगे चलो आगे। हाँ देखो नीचे, देखते रहो कहीं एग दिख रहा है आपको। ऐसे झाड़ी हटा के देखो, इधर उधर कहीं दिख रहा है।
रियांश आपका हो गया? बस बस स्टैंड अप आ जाओ. वेरी गुड रियांश. आ जाओ इधर. यू गॉट इट. रुको इधर देखो मेरी तरह ऐसे खड़े रहो. इधर देखो. ये आंटी को येलो येलो वाली येलो टी शर्ट वाले. चलो ले लो उसको ले लो और चलो अभी. चलो इधर इधर लेके जाना है. मैं दिला के लाता हूँ चॉकलेट ही लाना ना उसको. हाँ तो चलो मैं भी चलूँगी. आओ रियांश कम ऑन. सेंटर से क्रॉस करते हैं उधरी है जहाँ पे झूला है ना उसके बाजू में. हाँ ठीक है आ जाओ. व्हाट रियांश यू विन द गेम. ओके ओके लेट्स गो. मम्मा यस बेटू यू आर अ विनर. ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड रियांश. चल रियांश इज वेरी हैप्पी. आज यहाँ बहुत रश है ना. बहुत डिफरेंट टाइप के गेम्स भी होते और रश भी बहुत है. यहाँ पे आके अपना गिफ्ट कलेक्ट करना होता है. ऐसे हस्बैंड ने लाइन लगाया है और सब बच्चों का. और ये रहा रियांश. मैं उसको लेके जाती हूँ. मुझे तो आओ रियांश चलो अंदर. इधर से चलो चलो. आंटी को देना है आपने. रुको नंबर लगाओ आंटी को अभी. बोनजूर मर्सी. आ जाओ खेलो रियांश. यहाँ से उठा के अंदर डालना है. खेलोगे आप रियांश? वही लो इसमें से निकालो. ऊपर से इधर से इधर से इधर से ऐसे इधर से. ट्राई करो एक बार और ट्राई करो. हाँ करो सीधा कर दो उसको. फोटो खिंचाने के लिए चलो उधर हम भी चलते हैं. बहुत सारे गेम हो रहे हैं. ये तो फनी हो गया. ये रहा रियांश का शीट. करो कलर. क्या है वो रियांश किस पे कलर कर रहे हो आप? पम्पकिन पे. करो करो इधर देखो रियांश मेरे पास. देखो इधर ये रहा पिद्दी. कलर करके बोर हो गया है. रियांश को गेम खेलना था बट ऑलमोस्ट ये सारे गेम बंद हो रहे थे. सो उसके वजह से वो खेल नहीं पा रहा था. जो उसको खेलना था वो बंद हो रहा था. सो मना कर रहे थे क्योंकि अभी क्लोजिंग टाइम हो चुका था. 1 बजे बंद होने का टाइम था. सो 1 बज के जा चुका था. सो सब बंद हो रहा था और रियांश को गुस्सा आ रहा था. उसको खेलना था. जो उसको खेलना था वहाँ पर या तो बंद हो रहा है या तो ऑलरेडी बच्चे खेल रहे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. इधर पजल है बड़ा. ये देखो इतना बड़ा पजल है. आ जाओ
फोटो सेशन सब कुछ है आज। भाभी हम लोग पता नहीं अब अंगद का बैनर जो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और फिर शुरू हुआ हमारा मस्ती मजाक हंसना। और ज्वाइन करके बिछाओ एक दूसरे में, बिछाने का भी वीडियो बन रहा है। सब बनाऊंगी और सब यूट्यूब में दिखोगे, जिसको नहीं दिखना पहले बता देना, ब्लर कर दूंगी सबको। हम जिसमें मोटे दिखे उसको प्लीज, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है। मुझे मोटा कर सको तो कर देना। दो बार तेल ऑयल ऑयल कुछ है। अच्छा अरे इन्हें मुझे मिलता है वो नहीं होता, लगा था जो लास्ट में यू करते हैं नाइस फिश लीवन का होता है लिखा उसमें अमाउंट। पर ठीक है, हम मेरे रियांश को देखो, इसका अपना अलग ही दुनिया है। रियांश आ जाओ, सब बच्चों के साथ खेलो 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 मिट्टी खेलो। विटामिन डी बहुत ज्यादा हो गेम चल रहा है। अरे डाला नहीं मैंने, दूसरा नहीं अब बच्चों को वो देखो एक चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर अभी गेम खेला और उसके बाद अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि एक फैमिली का वेट कर रहे थे, वो थोड़ी देर पहले आए। सो उसके बाद फिर हम सब ने साथ में लंच किया, किसी ने भाजी बनाया था, किसी ने कटलेट बनाया था, और एक जन ने बिरयानी बनाया था, और एक जन ने रोटी का क्या बोलेंगे उसको मुझे अभी आ नहीं रहा है। सो वो काफ़ी यम्मी था, सारे सब लोगों ने बहुत अच्छा बनाया था, मज़ा आ गया था खा के। फिर उसके बाद भी हमने थोड़ा खेला, इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। रियांश ने भी इंजॉय किया, बट वो ज़्यादातर अपना मिट्टी के खिलौने से ही किया, और फिर बाद में उसको थोड़ा समय लगा, पहले वो पूरा मिट्टी का खिलौना खेल के इंजॉय कर लिया, फिर उसके बाद वो जाके बच्चे लोगों के साथ खेल रहा था। एक जन ने सैलेड बना के लाया था किनोवा का, बहुत यम्मी था, सब खाना बहुत ही अम्मी बनाया था। और जब साथ में सब मिलके खाते हैं तो और मज़ा आ जाता है, खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। फिर हमने थोड़ा सोचा डांस कर ले, बट जैसे ही डांस करने गए थोड़ी देर बाद स्पीकर ही बंद हो गया, फिर हमारा मूड ही ऑफ हो गया। फिर हम लोग ने सोचा थोड़ा रेस्ट करते फिर खेलते हैं, और ये मैंने एक ही गाना बज बजा, उस पर ही थोड़ा बहुत जो डांस किया वही। ये रहा मेरा सोना, सो रहा है, सो गया मेरा लल्लू, बैठो मेरा, इधर ऐसे इसको छांव में कर दिया है। भाई ध्यान से मारना, उस पे नहीं जावे रेयांश पे। हाँ और ऐसे ही मस्ती करते खेलते हुए हमारा पूरा दिन निकल गया। काफ़ी अच्छा रहा ये पिकनिक, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने, और एवरी टाइम जब भी हम पिकनिक जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और सब कैसे सेम एज ग्रुप वाले ही लोग हैं, तो और भी सबका ट्यूनिंग बैठ जाता है, वाइब्स मिल जाता है सबसे, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और सब ने खाना वाना सब बहुत ही अच्छा था, ओवरऑल बहुत ही अच्छा हमारा दिन गया। और फिर ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया है तो कमेंट करके बताइए सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको मेरे इस ब्लॉग में। और मेरा जो अभी नया ब्लॉग आएगा, अभी एक
मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो ट्रैवलिंग ब्लॉग है मेरा, और मैं कहाँ गई हूँ, वो प्लेस क्या है, वो सब आपको ब्लॉग के थ्रू ही पता चलेगा। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।